हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इट सेज यूज हाइगेंस प्रिंसिपल टू शो हाउ अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेट्स फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम, हेंस वेरीफाई द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर, यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके, तो बेसिकली हाइगेंस ने हमें बताया था कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो क्या, जो लाइट होती है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। ओके, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, ये ऐसे टाइप के प्लेन होते हैं जिनपे जो भी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फेज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब आप सपोज कर लो कि ये हमारा एक दो मीडियम के बिटवीन की लाइन है, राइट। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया दिस इज अ डेंसर मीडियम, जिसे हम सपोज कर रहे हैं एन वन, और ये हो गया रेयरर मीडियम जिसे हमने सपोज कर लिया एन टू। ओके, अब रे ऑफ लाइट को हम लोगों ने सपोज किया कि यहाँ पे प्लेन आ रहा है, राइट। तो ये नॉर्मल लाइन हो गई, ये एक प्लेन देखो आप एंगल आई से इंसिडेंट किया, तो ये दूसरा प्लेन आएगा वेव फ्रंट का। अब ये डेंसर टू रेयरर जा रहा है, राइट। तो रेयरर मीडियम में इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसलिए क्या करेगा, ये कुछ ऐसा मूव कर देगा। ओके, तो अगर आप यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये यहां पे आएगा, और इसे ड्रॉ करोगे तो ये यहां पे जाएगा, करेक्ट। अब आप नोटिस करो क्या ये एंगल आर हो रहा है, ये भी एंगल क्या हो रहा है, सिर्फ कर दिया जाए, ये भी एंगल क्या हो रहा है, आर। अगर ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई होगा और ये भी एंगल क्या होगा, आर होगा। हम इसे नेमिंग कर देते हैं। ओके, इसे पॉइंट को देते हैं पी पॉइंट, इस नाम को देते हैं क्यू पॉइंट, इसको पॉइंट को नाम देते हैं आर पॉइंट, इस पॉइंट को नाम देते हैं एस पॉइंट। ओके, नाउ लुक द ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, राइट। हम साइन आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन आई के लिए पी क्यू आर क्यू क्या है एज अ परपेंडिकुलर, और पी क्यू क्या है एज हाइपोटेनस, राइट। और साइन आर क्या होगा, साइन आर के लिए परपेंडिकुलर है पी एस हमारे पास, और हाइपोटेनस है क्या, पी क्यू। साइन आई अपॉन में साइन आर लगा देते हैं। ओके, साइन आई अपॉन में साइन आर, जब आप ऐसा करोगे तो आपको मिल जाएगा आर क्यू अपॉन में पी एस, क्योंकि बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। अब आप सपोज करो कि फर्स्ट मीडियम में, डेंसर मीडियम में जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, v1 थी, तो v1 ने t टाइम में कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो ये v1 t है और ये क्या हो जाएगा, v2 t हो जाएगा, राइट। तो rs जो आपके पास है वो क्या है, और ps जो है आपके पास क्या है, वो v2 t है, और rq जो है वो v1 t है, तो ये हो गया v1 t अपॉन में v2 t। टाइम और टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर is going to be v1 upon में v2, और v1 upon में v2 क्या होता है, this is just like the refractive index between the medians, right? So 1 and 2, तो आप इसे लिख सकते हो sin i upon में sin r, which is going to be 1 and 2, either n2 upon n1, either n, and this is the Snell's. So this is the answer for this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.